आज हम जिस विषय में पढ़ेंगे वो है आचरण की सभ्यता, जो कि सरदार पूरण सिंह के द्वारा रचित है। सरदार पूरण सिंह निबंधकारों में एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। भावनात्मक निबंधों के रचनाकार के रूप में पूरण सिंह जी हिंदी के अद्वितीय माने जाते हैं। हिंदी में इनके द्वारा केवल 6 ही निबंध उपलब्ध हैं। इन्हीं निबंधों के कारण सरदार पूरण सिंह जी हिंदी लेखकों में अमर हो गए। निबंध रचना के लिए इन्होंने प्रमुख रूप से नैतिक विषयों को चुना, तो जो इनका निबंध है आचरण की सभ्यता, इस निबंध में इन्होंने व्यक्ति के शुद्ध आचरण को प्रमुख स्थान दिया है। इनका मानना है कि आचरण की सभ्यता को प्राप्त करने के लिए एक कंगाल व्यक्ति भी राजाओं के दिलों पर अपना अधिकार जमा सकता है। किसी व्यक्ति के पास चाहे धन, कला, विद्या, राजस्व चाहे कितना ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी शुद्ध आचरण को सबसे अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। अच्छे आचरण वाले व्यक्ति के प्रेम और धर्म के सारे जगत का कल्याण होता है। उसके हृदय में हमेशा नम्रता, दया, प्रेम, उदारता का स्थान बना रहता है। अच्छे आचरण से कला, साहित्य तथा संगीत को सिद्धि प्राप्त होती है। आचरण की सभ्यता रूपी भाषा सदा मौन रहती है। इन्होंने आचरण की भाषा को मौन बताया है। मीठे वचनों की मिठास में आचरण की सभ्यता मौन रूप से खुली हुई होती है। नम्रता, दया, प्रेम और उदारता सबसे सबके सब सभ्य आचरण की भाषा के मौन रूप के बखान करते हैं। मनुष्य के जीवन पर मौन बखान का प्रभाव सदैव चिरस्थायी होता है। लेखक कहते हैं कि शुद्ध आचरण की उपस्थिति में मन और हृदय की ऋतु बदलती जाती है। लेखक ने यहाँ ऋतु का उदाहरण देकर अपनी बात को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। उनका कहना है कि तीक्ष्ण गर्मी में जले भुने व्यक्ति आचरण के काले बादलों की बूंदाबांदी से शीतल हो जाते हैं तथा बसंत ऋतु के आनंद का पान भी करते हैं। आचरण के नेत्र के एक आंसू से जगत भर के नेत्र भीग जाते हैं। आचरण के आनंद नृत्य में मगन होकर वृक्ष तथा पर्वतों के हृदय भी नृत्य करने लगते हैं। आचरण के मौन बखान से मनुष्य को एक नया जीवन प्रदान होता है। नए नए विचार स्वयं ही प्रकट होने लगते हैं। सूखी हुई झाड़ियाँ भी हरी भरी होने लगती हैं। सूखे कूपों में भी जल भर जाता है। यह सब मौन रूपी बखान इतना बलशाली तथा प्रभावशाली होता है कि इसके सामने क्या मातृभाषा, क्या साहित्य भाषा, सब कुछ तुच्छ प्रतीत होता है। यहाँ तो केवल मौन भाषा ही ईश्वरीय प्रतीत होती है। लेखक कहते हैं कि एक बार विचार करके तो देखो, मौन भाषा आपकी नाड़ी नाड़ी में सुंदरता को पिरो देगी। बर्फ का दुपट्टा बांधे हिमालय वो इस समय तो अति सुंदर, अति ऊंचा मालूम होता है। इसी प्रकार सभ्य आचरण भी हिमालय की तरह एक ऊंचे कलश वाले मंदिर की तरह है। यह कोई पौधा नहीं है जिसे 4 दिन पानी दिया और वह बड़ा हो गया। इसके बनने के लिए तो अनंत काल लग जाता है। यदि सारे वेद और शास्त्र भी घोल कर पी लिए जाएं, तो शुद्ध आचरण की प्राप्ति नहीं हो सकती। आचरण प्राप्ति की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को तर्क वितर्क से कोई भी सहायता नहीं मिलती। लेखक यहाँ पर उदाहरण देकर समझाते हैं कि यदि एक ब्राह्मण किसी डूबती हुई कन्या की रक्षा के लिए पानी में कूद जाते हैं, चाहे वह कन्या किसी भी जाति की हो, किसी भी धर्म की हो, चाहे उस कन्या की रक्षा करते समय ब्राह्मण के प्राण ही क्यों न चले जाएं? यही तो आचरण की मौन भाषा है। प्रेम का आचरण ही दया आचरण कहलाता है। चाहे मनुष्य हो या पशु, जगत के सभी जीव इस मौन आचरण को अपने आप ही समझ लेते हैं। लेखक शुद्ध आचरण का बखान एक और उदाहरण के साथ स्पष्ट करते हैं।
एक बार एक राजा जंगल में शिकार खेलते खेलते रास्ता भूल गया। उसके साथी भी पीछे रह गए। उसका घोड़ा भी मर गया। रात का समय था, बारिश हो रही थी। अब राजा बहुत परेशान हुए कि मैं जाऊं तो जाऊं कहां। इतने में राजा को दूर एक पहाड़ी की चोटी के नीचे टिमटिमाती हुई बत्ती की लो दिखाई दी। कई मीलों तक पहाड़ों के ऊंचे नीचे उतार चढ़ाव को पार करने के बाद थका हुआ और भूखा राजा और सर्दी से ठिठुरा हुआ राजा उस बत्ती के पास पहुंचा। यह एक गरीब पहाड़ी किसान की कुटिया थी। वहां वह किसान अपनी पत्नी तथा तीन बच्चों के साथ रहता था। किसान उस शिकारी को यानी कि राजा को अपनी कुटिया में ले गया। किसान ने आग जलाई, राजा के कपड़े सुखाए तथा दो मोटी मोटी रोटी और साग उसे खाने के लिए दे दिया। खाना खाने के बाद किसान ने राजा को ऊन के गरम बिछोने पर सुला दिया और खुद वह बिना बिछोने के ज़मीन पर ही सो गया। इतनी मुसीबत के समय में जो काम आए वह क्या कोई ईश्वर से कम है? चाहे वह शिकारी राजा कितने ही राजधानियों का राजा क्यों ना हो, लेकिन इस समय तो एक रोटी और गरम बिस्तर का मूल्य तो राजा की राजधानियों से भी कहीं अधिक है। यहाँ गरीब किसान के मौन आचरण की छवि दिखाई देती है, यानी कि आचरण का विकास ही जीवन का परम उद्देश्य है। लेखक का तात्पर्य यह है कि आचरण केवल मन के स्वप्नों में कभी नहीं बनता, यह तो शिलाओं पर कई वर्षों तक घिस घिस कर बनता है। उसके फूल तो सूर्य की गर्मी और समुद्र के नमकीन पानी से बार बार भीग कर और सूख कर अपनी लाली पकड़ते हैं। यही धर्म के आचरण की प्राप्ति ऊपरी आडंबरों से होती तो आजकल भारत निवासी सूर्य के साम यदि धर्म के आचरण की प्राप्ति ऊपरी आडंबरों से होती तो भारत निवासी सूर्य के समान शुद्ध आचरण वाले हो जाते। आध्यात्मिक धर्म के स्वप्नों की शोभा तभी भली लगती है जब आदमी अपने जीवन का धर्म पालन करे। प्राकृतिक सभ्यता के आने पर ही मानसिक सभ्यता आती है और तभी वह स्थिर भी रह पाती है। लेखक कहते हैं कि आचरण की सभ्यता का तो देश ही निराला है। उसमें ना तो शारीरिक झगड़े हैं, ना मानसिक झगड़े हैं, ना उसमें कोई विद्रोह है और ना ही कोई जंग है, ना तो उसमें कोई ऊंचा है और ना कोई नीचा है, ना तो उसमें कोई धनवान है और ना ही कोई निर्धन है। वहाँ तो केवल प्रेम और एकता का अखंड राज्य रहता है। वहाँ तो केवल प्रेम की धारा ही बहती है।